क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अंग्रेजी जरूरी है? क्या अंग्रेजी सीखने वालों को ट्रेडिंग करके प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता होगा? और क्या बिना अंग्रेजी सीखे ट्रेडिंग नहीं हो सकती? क्या ट्रेडिंग हम हिंदी में भी कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे एक विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आपसे छूटे ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बहुत से लोगों में ये भ्रांति है, ये मिथ है, या उनका ऐसा मानना है कि शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए कोई हाई फाई लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कोरी और एकदम कोरे कागज़ पे लिखी हुई कोरी भ्रांति है, जिसका दूर दूर तक शेयर बाज़ार से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि बिना अंग्रेजी सीखे शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग नहीं कर पाए, तो या तो आप उसको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मान सकते हैं, या आप शत्रु मान सकते हैं, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि वो आपको उल्लू बना रहा है या आपको उल्लू समझ रहा है। क्योंकि शेयर बाज़ार में बस इतनी सी अंग्रेजी आपको चाहिए जितना आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इतने भी नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर बाज़ार में आपको कहीं वाक्य लिखने या सेंटेंस लिखने नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं एप्लीकेशन लिख के देना है। मान लीजिए हम बात करते हैं शुरू से कि आप शेयर बाज़ार में नए नए आए, आपको करना क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहली स्टेप तो होती है कि आपको अकाउंट ओपन करवाना है। अब अकाउंट ओपन करने में सारी चीज़ें उसमें फील रहती है, ऑटो फील करना होता है। आजकल तो इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाती है। तो अब नाम लिखा है, तब आपको क्या अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता है? आपका पता जो कि आधार कार्ड में लिखा होता है वो भी ऑलरेडी इंग्लिश में ही लिखा होता है वहाँ पर, तो आपको तो उसमें देख देख के उसमें लिखना होता है। पेन नंबर आपको याद ही होते हैं, मोबाइल नंबर तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है? ऐसे ही एक ईमेल आईडी बन जाती है आसानी से, उसको भी आप उसमें डाल दीजिए। तो आपका अकाउंट 4 से 6 घंटे में अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको मैसेज मिलता है और वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, जैसा कि फेसबुक पे आप अपने नाम की आईडी बनाते हैं, वैसा ही एक लॉगिन आईडी मिलता है और उसके पासवर्ड आते हैं, ठीक है? अब लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल गया है, आपको बता रहता है कि मैं मोबाइल से ट्रेड करूँगा या कंप्यूटर से ट्रेड करूँगा। अब अगर आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सिंपली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जिसका भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जैसे एप्पल का कर रहे हैं तो आपको ऐप स्टोर से, और एंड्रॉयड का कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से, आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और सिंपली लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। अब ऊपर आपको दिखती है उसमें वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट का तो मतलब आजकल सबको ही पता है, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं होती दोस्तों। अब यहाँ तक की चीज़ें आपको मैंने बताई, दो स्टेप हो गए, आपका अकाउंट ओपन हो गया है, आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है, या डेस्कटॉप पे आप उस साइट पे चले गए हैं जहाँ पर ट्रेडिंग होना है। तो यहाँ तक तो आपको ही पता चल गया है कि कोई भयंकर इंग्लिश की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, या कोई मोटा मोटी ये मान के चलिए कि जो 8वीं तक की जो अंग्रेज़ी है या 5वीं तक की जो अंग्रेज़ी है उसी अंग्रेजी से आप इतना काम तो कर सकते हैं। अब आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेडिंग किस बेस पर करना है? जैसे टेक्निकल एनालिसिस के दम पे करना है, चार्ट देख के ट्रेडिंग करना है तो चार्ट में कोई अंग्रेजी नहीं चाहिए, नंबरों का खेल है दोस्तों। और फंडामेंटल में भी कोई अंग्रेजी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ नॉर्मली देखना ये होता है कि पिछले साल इसने कितना कमाया था, इस बार आपने कितना कमाया है, तो वहाँ पर भी कोई अंग्रेजी बाधा नहीं बनी आपको। तो टेक्निकल में भी अंग्रेजी नहीं चाहिए, फंडामेंटल में भी अंग्रेजी नहीं चाहिए, और यदि आपको इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमने और हमारी टीम ने मिलकर सारे जो अंग्रेजी में मॉड्यूल्स हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट किया है, फिर चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस का हो, फंडामेंटल एनालिसिस का हो, कैंडलस्टिक का हो, या शेयर बाज़ार का जो बेसिक नॉलेज है, सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे हिंदी में मिल जाएगी। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत लगती हो तो। तो यहाँ तक हम आ गए, हमने अकाउंट ओपन कर लिया, हमने प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर लिया। अब मैंने आपको जैसे अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आप डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करेंगे, वॉचलिस्ट में गए, अब आपको शेयर जोड़ना है। तो शेयर क्यों जोड़ना है? ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड दो बेस पे करते हैं, या तो फंडामेंटल या टेक्निकल। अब फंडामेंटल सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके या तो बुक खरीद सकते हैं जो कि हिंदी में है, तो आपको हिंदी में समझा दिया जाएगा। फंडामेंटल के लिए भी यही है, हमने बुक बना रखी है हिंदी में, वो आपको हिंदी में सारी चीज़ें एकदम वेल अप टू डेट चार्ट के साथ समझाया गया है। और जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग है, P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, वही खाता जिसको बोलता है, सारी चीज़ें हिंदी में आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप
समझाई गई है, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है, जो 5वीं पढ़ा हुआ है, 8वीं पढ़ा हुआ, 10वीं पढ़ा हुआ है, उसको भी सारी चीज़ें जो एडवांस लेवल की होती है हिंदी में स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है, ताकि वो भी एडवांस लोगों के साथ कम्पीट कर सकें और उनको पीछे रखने की हिम्मत पा सकें या इतना वो ज्ञान अचीव कर सकें उनमें से। तो ये तो हुआ हमारा भाषली तक। अब हमको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेने के लिए शेयर जोड़ दिया हमने, चाहे फिर वो फंडामेंटल पे ट्रेड लेना हो या टेक्निकल पे ट्रेड लेना हो, दोनों पे हमने शेयर जोड़ा। और उसके बाद बाय BUY सेल ई डबल, मतलब सेल का SEL सेल। अब सिंपल सी बात है, बाय सेल तो आप 5वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, या जब से आपने अंग्रेजी की किताब हाथ में ली होगी तब से ही आपको पता है कि बाय यानी खरीदना, सेल यानी बेचना। अब क्वांटिटी का खेल है तो क्वांटिटी तो आपको पता ही रहता है। जैसे आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो आपको 1 किलो सब्ज़ी खरीदने हैं, 2 किलो या 10 किलो, एक तरह की सब्ज़ी खरीदने हैं या 2 तरह की, वैसे ही वहाँ पर क्वांटिटी डाली जाती है कि हमें 1 शेयर दे दीजिए, 2 शेयर दे दीजिए, या 200 शेयर दे दीजिए, 1000 शेयर दे दीजिए, ऐसी क्वांटिटी डालना होती है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ट्रेडिंग की पोजिशन में जाएंगे तो आपको अपनी पोजिशन पता चल जाएगी कि आपने जो शेयर खरीदा है या बेचा है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी जो भाषा का इतना हवा बना रखा है देश में, शेयर बाजार में अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई आपको उल्लू बना रहा है, मिथ फैला रहा है, तो उसको इस वीडियो की लिंक भेज के सतर्क कर दीजिए कि भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी जो मनगढ़ंत कहानी है वो ना फैलाएं और लोगों को गुमराह ना करें। क्योंकि अंग्रेजी दोस्तों ठीक है सीखना, अपने लेवल पर ठीक है, आप जागरूक होते हैं, आप नई भाषा सीखते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए अगर एक भाषा बाधा बन रही है तो ये सरेसर बेईमानी होगी आपके साथ। और यदि आपको फिर भी कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल है या आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, या सुझाव है तो सुझाव दे दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हम आपको लाइक करेंगे और आपको वीडियो पर आने का मौका भी देंगे। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है आपसे, तो लाइक करना ना भूलें। और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको तो दबाना भूलिएगा ही मत, क्योंकि अगर आप अभी बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो जो मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आप सारी चीज़ें हिंदी में सीखने से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।